तो घर अभी आए थे मेरे हस्बैंड हमें छोड़ने के लिए, क्योंकि कल भी हम पैदल आए थे तो थक गए थे, तो आज ये हमें छोड़ने के लिए आए हैं। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जाओ यहाँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और बुशरा, फातिमा और रुखसार हमारे साथ है, और मैं बस हम आज चार लोग आए हैं। बस जो सब्ज़ी चुननी होगी वो चुन के फिर हम चले जाएंगे, मेरे हस्बैंड फिर से दोबारा हमें लेने के लिए आएंगे। अभी जाएंगे वो वापसी नजमा बाजी के घर, उधर से अपनी बाइक निकालेंगे और दूध वगैरह इकट्ठा करके फिर आएंगे और फिर हमें इधर से लेके चले जाएंगे। आज हमारा पैदल वाला सफ़र नहीं है, आगे उधर पानी था तो इसलिए फिर हम इधर से पैदल जा रहे हैं कि थोड़ा सा ही आगे हम पैदल चले जाएंगे। तो गई है, देखें हम इधर पहुँच गए हैं सब्ज़ी पर। तो अभी थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, क्योंकि कल नाश्ता नहीं करके आए थे तो कल भी हमें भूख लगी थी, हमें पता नहीं था। तो आज हमने चावल जो रात को हमने बनाए थे तो वो मैं लेके आई हूँ साथ में, कि थोड़ा बहुत नाश्ता ऐसे कर लेंगे, बाद में सब्ज़ी वगैरह चुन के फिर हम सुकून से बैठेंगे। ठीक है, चलो नाश्ता आप लोग भी कर लो और मैं भी कर लूँ। पानी भी हम अपना साथ में लाए हैं और चावल भी अपने साथ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पैर पैर सुबह का आगाज़ तो काफ़ी टाइम से हो गया था, तो फिर हम इधर गांव आ गए, बाजी नजमा की बस्ती में आ गए सब्ज़ी वगैरह चुनने के लिए। तो मैंने कहा चलो सुबह का सलाम तो कर लें। और ये देखें माशाल्लाह यहाँ का माहौल देखें कि कितना खूबसूरत है, और आज मज़ा भी आ रहा है क्योंकि आज मेरे हस्बैंड हमें बाइक पर छोड़ने के लिए आए थे, तो फिर वापसी भी वो हमें लेने के लिए आएंगे। अभी रुखसार ट्यूबवेल से निकाल रही है रेत नीचे से, तो बाद में फिर हम सब्ज़ी चुनना शुरू कर लेंगे। और क्योंकि अभी मौसम भी देखें कि अभी से धूप निकलना शुरू हो गया, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए मैं इधर चारपाई पे बैठ गई और हमने नाश्ता वगैरह भी कर लिया। हमने सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, बाद में आपके साथ चुनवा लूँगी थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं मेरी आदत नहीं है चुनने की, तो फिर ना खारिश खारिश की तरह हो गई थी इसलिए। और माशाल्लाह मौसम देखें है बहुत ही अच्छा और प्यारा है। और रुखसार को देखें कि उधर चली गई है, देखें। अच्छा तो गाइस इधर से मैं चुन रही थी गुवार, और आज भेजनी थी दूसरे विलेज में मेरी सासू माँ के पास, तो मैंने इतनी चुनी है। और फातिमा देखें भी आम खा रही है, और बुशरा और रुखसार आगे खड़ी हुई हैं, आगे से उधर से चुन रही है वो अलग से, मैं इधर, मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी बहुत चुनवा लेती हूँ ताकि जल्दी चुनाई कर लेंगे ना, क्योंकि गर्मी देखें कि बहुत ज़्यादा हो रही है। सूरज भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कितना शदीद गर्मी हो रही है। मैंने कहा चलो मैं बच्चों के साथ मिलके मैं भी करवा लूँ साथ में। अभी से मुझे ख़ारिश होना स्टार्ट हो रही है, जैसे होती है ना, ये देखें इस तरीके से ना ख़ारिश हो रही है, लेकिन थोड़ी सी मैं चुनती हूँ बस, फिर जाके मैं बैठ जाऊँगी, बाकी ये चुनते रहेंगे खुद बुशरा फातिमा। और ये जाओ फातिमा तुम भी उनके साथ चुनवा लो, ठीक है जी। मैं कुछ चुनाई भी कर रही हूँ, कल तो मैं चुन गई थी काफ़ी सारे, मैंने थोड़ी सी चुनी है, इतनी तकरीबन चुनी है, तो बुशरा वालों ने अपनी बाल्टी में डाल दिया, तो अभी मैंने बाल्टी में बिल्कुल थोड़ी सी जमा की हुई है। मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी सी ना मैं भी चुनती रहूँ ताकि मेरे हाथ भी सीख जाएँ और कैसे इसको चुनते हैं। जैसे बाज़ार में आती थी ना ये सब्ज़ी, तो हम काट काट के ना थक जाते थे कि हे अल्लाह इतनी देर हो रही है काटने में, हमें ख़ारिश हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी पता चला है कि अभी कितनी मेहनत से इसे चुना जा रहा है, अभी पता चला है हमें भी कि कितनी मेहनत होती है। गर्मी होता है, गर्मी में खड़ा होना पड़ता है, फिर ये काम भी करना पड़ता है। जो लोग मजदूरी करते हैं ना उनको पता होगा कि वो कैसे अपने बच्चों का पेट पालते हैं और कैसे वो मजदूरी करते हैं। और देखें इसी में अच्छा तो गाइस देखें हम सब ने, बुशरा फातिमा ने और रुखसार ने और मैंने कुछ इतनी चुन ली है, बस इतनी काफ़ी है। और अभी वो नहा रहे हैं तो बस उनकी थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह बनाते हैं। और इधर देखें रुखसार और फातिमा और बुशरा नहा रही है, लेकिन मैं बुशरा का तो व्लॉग नहीं बना रही, लेकिन इन दोनों का व्लॉग बना रही हूँ। आप लोगों को डर नहीं लगता, लेकिन मुझे डर लगता है पानी में आने में। ये देखो कैसे नहा रही हैं दोनों, फातिमा भी और बुशरा भी इसी तरीके से ही नहा रही है, और ये इंजॉय कर रहे हैं। सब्ज़ी तो हमने बस तोड़ ली थी, गुआर तोड़नी थी आज घर की बनाने के लिए, मैं काट के आई थी जो कल हमने तोड़ी थी इधर से सब्ज़ी, वो मैंने इस तरीके से किया कि काट के शाम को रख दी थी, जो सुबह जब इधर आई हैं सुबह सुबह, तो फिर फौजा ने कहा कि मम्मी आप चले जाओ तो मैं ना चढ़ा लूँगी, तो वो फिर चढ़ा लेंगे। नहा लो नहा लो,
इधर देखे कैसे पानी जा रहा है, तेज तेज पानी जा रहा है। और वहाँ खड़ी होके मैंने दुआ चुनी है, तो अभी मैं इधर से हाथ वगैरह धोती हूँ, पाँव वगैरह धोती हूँ, फिर जाके बैठती हूँ वहाँ पर चार भाई पे जाके बैठती हूँ। अच्छा तो गाइस मैं अभी अभी आके बैठी हूँ, सब्जी वगैरह मैंने चुन ली थी, तो मैंने कहा चलो मैं अभी अपनी थोड़ी सी व्लॉग बना लूँ। और ये देखें मैंने पानी के अंदर पाँव निकाले हैं, और मुझे बीच में जाने का तो डर लगता है, लेकिन ये देखिए ये इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मुझे डर लगता है। नहीं मुझे नहीं खींचो, ये देखें ये नहा रही है, ये तो नहा रहे हैं, लेकिन मुझे डर लगता है मैं सिर्फ अपने पाँव नीचे रख के बैठे थे, पाँव ठंडे हो जाएँ और मैं खुद ऐसे इंजॉय कर रही हूँ। लेकिन ये होता है कि किसी किसी को डर लगता है, लेकिन इसलिए मुझे ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं पानी में जाती नहीं हूँ। ये देखिए मैंने इस तरीके से अपने पाँव नीचे रखे हुए हैं, पाँव बस धो रही हूँ, बस मैं कहा चलो पाँव धोती रहूँ। और ये तो इंजॉय कर रही हैं अपना अपना, रुखसार भी इंजॉय कर रही है, ये बच्चे हैं इनको डर नहीं लगता, इनकी आदत बन गई है अब, लेकिन हम इन चीज़ों में नहीं रहे ना, इसलिए हमें डर लगता है। फातिमा भी अब फातिमा की भी आदत बनी है ये नहाने की, घूमने फिरने की, इस तरीके से फातिमा भी पहले डरती थी, लेकिन अब उसकी आदत बन गई है ना आपकी, तैरना सिखा दिया है। तैरो कैसे तैरती हो, तैरो हाँ वो देखो कैसे तैर रही है। और ये रुखसार भी, बुशरा भी तैर रही है, बीच में वो भी खेल रही है मज़े से। अच्छा तो गाइस आज मैंने इस तरीके से किया कि ना आज हमने नाश्ता इधर किया, तो आज दिल कर रहा था कि ना हम चाय वगैरह पिए, तो रुखसार पता नहीं किसके घर गई है चाय का कहने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम चाय बना के देते हैं, वो बना रहे थे तो रुखसार फिर से आके उसने कहा कि थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी ले आऊँगी, और अभी चाय का भी इंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा, नाश्ता हमारा मुकम्मल हो जाएगा, वो तो हम करके जाएँ चाय वगैरह थोड़ी सी पी के जाएँ, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था कि आज हम चाय वगैरह पिए, तो इसलिए मैंने रुखसार को कहा कि आज चाय पी लेते हैं, कल हमने नहीं पी थी चाय, आज दिल किया कि आज पी लेते हैं चाय, तो हमने चाय पीनी है अभी। और ये देखें धूप देखे कि कितनी निकल आई है, अभी मेरे हस्बैंड उधर गांव में थे, विलेज वाले दूसरे साइड में थे, मेरे ससुराल वाले साइड में, वो अभी तक आए नहीं है, और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, नहा नहा रहे हैं, मैंने कहा आप लोग नहा लें और मैं यहाँ पर चार भाई बहन ना बैठ गई, क्योंकि मैं थक गई थी, धूप भी थी और गर्मी भी थी, कभी इस गर्मी में मतलब कभी सब्जी वगैरह चुनी नहीं है, तो आज मैंने कुछ चुनी है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा गर्मी होगी, इसलिए मैं आके बैठ के पाँव वगैरह धो के। अच्छा तो गाइस अभी इधर से जा रहे हैं हम, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए हैं हमें लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर मैंने आपको पहले छोड़ा था आप वहीं पर आ जाएं, मैं फ्रेम डब्बे घर पे रख के नजमाबाजी के घर रख के फिर मैं आपको आता हूँ ले जाता हूँ, तो अभी हम जा रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर आप लोगों ने नहाना है ना, तो फिर मैं आपको दोपहर में जब फ्री होके आऊँगा तो फिर आपको ले कर आऊँगा, फिर ये सब बच्चे वगैरह नहा लेंगे अभी, तो वो जा रहे हैं हम। फातिमा वो मेरा पर्स ले के आओ, वहाँ पर गिर गया है मेरा पर्स, देखो वहाँ पर गिरा हुआ है, जाओ ले आओ, ध्यान से जाओ ध्यान से। अभी देखें हम जा रहे हैं इस बनने से जा रहे हैं, और यहाँ पर पानी देखें वाटर में कितना पानी है, बिल्कुल नीट और बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी। बुशरा फातिमा और रुखसार आगे चली गई हैं, बस मैं इनके थोड़ा सा ही पीछे हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं हूँ, चल के जा रहे हैं, फिर आगे मेरे हस्बैंड आ गए होंगे तो फिर हम चले जाएँगे। अभी देखें रुखसार लेके आई हमारे लिए चाय, अब चाय पी के फिर चले जाएँगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ जाएँगे उतनी देर में, वहाँ पर बुशरा और फातिमा भी बैठी हुई हैं। हम जा रहे थे तो चाय बनी हुई थी, तो इसलिए हम बैठ गए, नहीं तो नहीं बैठते, हम चले जाते, रुखसार देर तो नहीं हो जाएगी ना, नहीं हमें थोड़ी सी ठंडी करके दिया ना, फिर सही है, नहीं तो हाँ सही है, ठंडी होगी तो जल्दी जल्दी पी लेंगे। अभी हम चाय वगैरह पी के जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि मैं आने पहुँचने वाला हूँ और आप लोग भी आ जाएँ, तो अभी हम जा रहे हैं, जो कुछ हमसे चुनी गुआर तो हमने चुन ली थी, बाकी की बाद में देखेंगे। बकरी देखो कैसे बैठे हुए, लगता है बकरा बैठा हुआ है, बकरा। रुखसार भी आगे चली गई, बस जल्दी जल्दी से हमने चाय पी और अभी जा रहे हैं। और अभी देखें जब पहले आए थे तो इधर रास्ता नहीं था, तो उन्होंने अभी फट्टा वगैरह रखा है चलने के लिए, अब ये सही हो गया है। और यहाँ पर पानी देखे कितना साफ़ सुथरा पानी है, बिल्कुल नीट पानी है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, सूर्य तो हमारे सर के ऊपर ही है। देखिए अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं हमें लेने के लिए, पहुंच गए हैं, अभी चलते हैं घर, घर जाके सुकून से बैठेंगे। अभी हम घर भी पहुंच गए हैं, और मवेशी देखें यहाँ पर चारा वगैरह खा रहे हैं, ये देखें ये अपना खाना पीना, नाश्ता इनका हो रहा है, और अभी हमारा नाश्ता नहीं हुआ, और हम अपना नाश्ता अभी करेंगे।
हस्बैंड जा रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और आज दुआ और ईमान बाकी सब घर थे। दुआ आपको घर छोड़ के चले गए थे ना, है ना? आप तो सोई हुई थी तो आपको इसलिए इधर ले नहीं लेके गए। अच्छा किया आपने, नहीं लेके गए। वाह भाई वाह, ईमान हमने अच्छा किया आपको नहीं लेके गए। आप लोग सब सोए हुए थे, हम तो सुबह सुबह चले गए थे इसलिए नहीं लेके गए। फिर आप भी जल्दी गए हैं ना, हाँ जल्दी आए हैं ना। और ये अब ये खेल रहे हैं, अभी मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगा रही हूँ, बस फुल होते फिर और काम करेंगे। अभी सालन भी बनानी है। और गर्ज देखें, कमरे की तो सारी सफाई वगैरह करके गई थी आज भी मैं इस तरीके से। तो फिर अभी लाइट, अभी मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगाने लगी थी तो लाइट ही चली गई, तो बस अभी जाती हूँ। और उबाल लिया है फौज जाने, तो फिर उसको जाके भुनाई करके ना सालन को बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने ये स्विच भी लगाया कि मोबाइल चार्जिंग पे लगाऊं और लाइट ही फ़ौरन ही चली गई, फिर लाइट आते ही मैं इसको चार्जिंग पे लगा दूँगी। देखें और देखें माशाल्लाह, यहाँ पर रुखसार ने और फातिमा ने इस कमरे की सफाई वगैरह कर ली है, बर्तनों को भी साफ़ सुथरा कर लिया है, कपड़ा वगैरह सारा लगा दिया। और देखें माशाल्लाह हर जगह से ये साफ़ कपड़ा, ये वाला कमरा, झाड़ू वगैरह भी लगाया हुआ है, यहाँ से भी सारी सेटिंग हो गई है। और इस वाले कमरे की है रुखसाना ने सफाई, ये भी सारा सेट हो गया है कमरा। और ये गद्दी रखनी थी उधर, उसने इधर ही रख दी है, बच्चे खेल रहे थे। और दुआ यहाँ पर खेल रही है। दुआ क्या खेल रही हो? घर बना रही हो? किसके लिए? मेरे लिए बना रही हो? फिर जल्दी से बनाओ, फिर मैं बैठूंगी ना अपने घर में, ठीक है? हाँ, ये दुआ घर बना रही है। ईमान सोई हुई है, बाकी इस कमरे की भी सारी सफाई वगैरह कर ली है। फातिमा ने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, गांव गए थे तो उधर से ट्यूबवेल पे ये नहाई है, तो फिर इसने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और फौज ने यहाँ पर मशीन लगाई हुई है। और इधर देखिए, मैंने सालन बना ली थी ग्वार की, तो यहाँ पर आटा भी तैयार है, अभी रोटी वगैरह बनाते हैं। यहाँ पर फौजा ने तनूर के अंदर आग भी जला दी थी, और ये देखे तनूर भी लाल हो गया है। अब इसके अंदर रोटियाँ वगैरह लगाएंगे मिलजुल के, मैंने कहा चलो इकट्ठे लगा लेते हैं। मैंने रोटियाँ लगी और मामू उतार रही हैं, लें फिर से नीचे गिर गई। आप लगा लेते, मैंने कभी लगाई नहीं है ना इसलिए। तोड़ के ये देखिए कैसे कर दिया आपने। खैर है, कोई बात नहीं है। और यहाँ पर मैंने फौजा को कहा कि ये वाली रोटी उतार दें, क्योंकि ज़्यादा नीचे थी तो इसलिए मुझसे उतार ही नहीं जा रही थी। काफ़ी सारे तो मैंने उतार दी थी, ये देखें बिल्कुल सही सही उतारी थी और अच्छी रोटी बनाई है। ये तो चिपक गई है। चिपक गई है तो फिर ध्यान से उतारो ना इसे। और गाइस देखें, यहाँ पर हम भी खाना वगैरह खा रहे हैं, और वहाँ पर ईमान बैठी हुई है खाना खा रही है, और यहाँ पर हम बुशरा में और फौजा बैठ के खा रहे हैं। और यहाँ पर लस्सी भी अभी बनानी है। और इधर देखें रुखसाना भी खाना खा रही है, बाकी बीबी हो गई और रुखसार और फातिमा नहीं खा रही, उन्होंने कहा कि हमने देर से खाना खाना है, तो इसलिए अभी हम तो खा रहे हैं खाना, क्योंकि हमें तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अच्छा तो गैस, मैंने ये धोए थे अपने हस्बैंड के कपड़े, तब इनको प्रेस कर रही थी, वो सो रहे थे तो उनके प्रेस करने थे, तो मैंने कहा चलो उनके प्रेस कर लूँ। फिर मैंने फातिमा का और अपना सूट धो के खड़ा कर दिया है, अभी ये सूख जाएगा तो फिर हम कल फिर से इंशाल्लाह ताला फिर इसे पहनेंगे। और इधर माम ने भी अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, आज जुम्मा मुबारक था तो आज सब नहाए हैं, सब ने कपड़े वगैरह भी चेंज किए हैं। और ये अपने सर को तेल लगा रही थी, इसके बाल वगैरह सूख गए, ये तो अभी तेल लगाएगी। और यहाँ पर फौजा बना रही है मिल्क शेक आम का, तो वो मशीन धोने के लगी थी, वो भी मशीन धो के आ गए, अभी मिल्क शेक बनाती है, बाद में मैं कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी। तो माशाल्लाह देखें, फौजा बना रही थी मिल्क शेक, और इसका कलर देखें कि जैसे आइसक्रीम बनती है ना, नीचे से येलो फिर ऊपर से वाइट फिर येलो फिर वाइट, दो कलर में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और ये बन जाएगा फिर देखेंगे। तो गैस अभी लेके आई है फौजिया मिल्क शेक मैंगो का, ये देखें अभी हम पी रहे हैं। और यहाँ से दुआ भी ले रही है, ये देखें दुआ भी पी रही है। और गैस देखिए, मैंने रुखसाना रुखसार माहम और ईमान को दे दिए चावल, आज हमने पहले बनाए, आज फिर दिल किया कि आज हम चावल वगैरह बनाएं, तो चावल बनाए हैं, आलू वाले चावल बनाए। और यहाँ पर दुआ बैठी है, और यहाँ पर हमारी फैमिली बैठ गया है, मेरे हस्बैंड भी बैठ गए हैं, और बुशरा और फातिमा भी आ जाओ खाने दो। दुआ क्या कह रही हो? अच्छे चावल अच्छे बने हुए हैं।
थैंक यू। अच्छे ऐसे बोल रही हो, वैसे हकीकत में अच्छे बने? हकीकत में अच्छे बने हुए हैं, तुम्हारे हिसाब से बने हैं ना। वाह भाई वाह, आज मैंने दुआ के पसंद के चावल बनाए हैं। चावल बनाने का दुआ का आपका, चलो खाओ खाओ, मजे वाले हैं ना, खा लो। मेरे भी फेवरेट है। तुम्हारे भी फेवरेट हैं? वाह भाई वाह, सबके फेवरेट हैं चावल। आज उम्र नहीं है, उम्र की कमी मुझे महसूस हो रही थी जब मैं प्याज काट रही थी ना, तब मैंने कहा कि उम्र को तो बुलाओ, वो भी तो खा ले।